हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत सुनता चैनल में। आज अपने वीडियो में आपको बताने वाले हैं चटनी की रेसिपी। मूंगफली की चटनी है जो खाने में काफी टेस्टी होती है, झटपट से बन भी जाती है। जितनी खाने में टेस्टी होती है उतनी जल्दी चटनी बनके तैयार भी हो जाती है। अब इस चटनी को बना के फ्रिज में रख दीजिए, 15-20 दिन तक खराब नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं मूंगफली की चटनी हम कैसे बनाते हैं। तो मूंगफली की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर मूंगफली की दाल मूंगफली ले ली है, तो जिसे हमने भीना घी और तेल के भून ली अच्छी तरह से। ठंडा होकर उसे हाथ से मसल के उसके सारे छिलके निकाल दिए। फ्रेश धनिया पत्ती है, कुछ लहसुन की कलियाँ हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मूंगफली की चटनी। अब हमने मिक्सर जार ले लिया है। अब मिक्सर जार में मूंगफली के दाने को डाल देंगे जिसके हमने छिलके उतार लिए। तो थोड़ा सा हम 2 चम्मच के लगभग पानी डाल देंगे, नॉर्मल पानी है। हमें उतना ही पानी डालना जितना हमारी मूंगफली पीस के तैयार हो जाए। हमारी मूंगफली पेस्ट बनके तैयार हो गई है। हमने इसे थोड़ा सा मोटा दरदरा ही रखा है। आज इसमें हमने एक नींबू का रस ले लिया है। नींबू के रस को हमने छान लिया था, ऐसे मूंगफली के पेस्ट में डाल देंगे। यहाँ हमने पुदीना पाउडर ले लिया 1/2 चम्मच के लगभग। आप पुदीना पाउडर की जगह आप पुदीना पत्ती भी ले सकते हैं। हरी मिर्च ले ली है, 2 हरी मिर्च है जिसे हमने चॉप कर लिए थे। आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से हरी मिर्च मात्रा बढ़ा सकते हैं। धनिया पत्ती है जिसे हमने धो के चॉप कर लिए, छोटे छोटे लहसुन की कलियां डाल दी है। साथ में दही है, दही को हमने भी डाल दिया 4 चम्मच लगभग। हमने दही ली थी, दही हमारी गाढ़ी है, दही को हम डाल देंगे। दही बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए। टेस्ट के हिसाब से हमें नमक लेना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा काला नमक ले लिया, थोड़ा सा हम सफेद नमक ले लिए। नमक की मात्रा अगर कम लगेगी तो हम बाद में फिर डाल देंगे। अब इन सबका हम फिर पेस्ट बना कर तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप उसकी जगह छाछ भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड है। ये देखिए हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। अब चटनी को हम एक बाउल में निकालते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया और दही मूंगफली की चटनी को हम इसी बाउल में डाल देंगे। अगर आपको चटनी ज्यादा गाढ़ी लगी या पतली लगे, गाढ़ी लगी तो थोड़ा सा उसमें आप दही डाल दीजिएगा। अगर पतली लगे तो थोड़ा सा उसमें हल्का सा पानी डाल दीजिएगा। ये देखिए चटनी हमारी बनके एकदम तैयार हो गई है। हम इसे चला के देख रहे हैं। अगर मूंगफली थोड़ी सी मोटी लगेगी तो एक बार इसका हम फिर पीस लेंगे, फिर पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमने एक कलछी रख दी गर्म होने के लिए। कलछी लगभग हमारी गर्म हो गई, तो इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप कुकिंग ऑयल की जगह देसी घी भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जिसका फ्लेवर आपको सही लगे। तो हमने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया, गैस को हमने अब बंद कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा हमने सफेद तिल लिया, सफेद तिल को हमने साफ कर लिया था। और तिल को भी हम ऑयल में डाल देंगे। तिल को भी हमें हल्का सा लाल करना, जलाना नहीं, सिर्फ हल्का सा रोस्ट कर लेना तेल में। करी पत्ता डाल दिए, करी पत्ता का फ्लेवर ना चटनी में बहुत अच्छी लगती है। हमारी अच्छी तरह से सब चीजें रोस्ट हो चुकी है। हमें छौंक को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। इस छौंक जब हमारी ठंडी हो जाए तो इसी चटनी के ऊपर हम डाल देंगे। तो छौंक लगभग हमारी ठंडी हो गई है। अब इस छौंक को हम चटनी के ऊपर डाल देते हैं, काफी अच्छी लगती है। तिल का फ्लेवर बहुत अच्छी लगती है चटनी में। ये सबको हम मिक्स कर दे रहे हैं। ये देखिए धीरे धीरे इसे हम मिक्स कर देंगे, आसानी से बन जाती है। अब इस चटनी को जरूर ट्राई करिएगा, जरूर बनाइएगा। कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा आपको हमारी चटनी कैसी लगी है। आप इस चटनी को बना के फ्रिज में रख सकते हैं, 15-20 दिन तक खराब नहीं होगी। बस चम्मच से पानी का हाथ ना हो, चटनी आराम से चल जाती है। अगर आपको मूंगफली की चटनी बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पाए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।